हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वम वेलकम टूम तो गाइज जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि हम साइंस कवर अप कर लेंगे कि आपके फाइव टू एट क्वेश्चन आए हैं चाहे वो एपीएफसी हो चाहे वो एओई हो आठ क्वेश्चन तक आप लेकर के चलोगे ए पी एफ सी में दो हज़ार पंद्रह में आठ एंड काफ़ी uh, इंपॉर्टेंट है देखो uh, कई बार क्या होता है ना सब्जेक्ट्स uh, को अपने हिसाब से रैंकिंग दे देते हैं यार ये हिस्ट्री है ये पॉलिटी है ये इकोनॉमिक्स है तो इस सब में हम क्या करते हैं ना हम ना सबसे बॉटम रैंक के ऊपर रखते हैं सब्जेक्ट्स को जैसे इंग्लिश कंप्यूटर साइंस हम इनको समझते ही नहीं कि ये सब्जेक्ट हैं बट देखो बेटा एक क्वेश्चन का पेपर है और एक क्वेश्चन में हर क्वेश्चन को टाइम नंबर मिले तो अपने को तो इस टाइप का जो एक तरह का भेदभाव है वो ना करें अपने को तो स्कोर करने से मतलब है पेपर जब आप देकर के आओगे वो ये नहीं पूछेगा कि भाई तूने कंप्यूटर के तो आठ के आठ क्वेश्चन सही कर दिए पर हिस्ट्री के चार क्वेश्चन गलत कर दिए ठीक है एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछेगा इंटरव्यू में जब आप जाओगे कि क्या नहीं लेंगे हम तूने कंप्यूटर के क्वेश्चन तो मैंने आपको कहा था कि हम कंप्यूटर भी करेंगे और कंप्यूटर हम स्पेसिफिकली करेंगे एनसीआरटी में से जो प्लस वन प्लस टू की एन है उसमें हम बहुत सिलेक्टेड वे में करेंगे बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटी के अंदर ना जाते हुए जिस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं तो ये लेक्चर्स मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस के बेसिकली ये जो लेक्चर्स हैं इसके अंदर मैं एम के तरीके से ही आपको लेकर के चलूंगा मैं आपको एम दिखाऊंगा दिखाऊँगा और उसके बेस पे जो उसकी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम देख लेंगे ठीक है तो एम सी क्यू इज़ जस्ट अ यू नो रीज़न क्योंकि मैं आपके लिए वो बोरिंग थ्योरी वे में कंप्यूटर को नहीं चलाना चाहता तो एम सी क्यू इज़ जस्ट वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग्स की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट एरिया है वो हम कवर कर देंगे ठीक है तो ये लेक्चर वन रहेगा एंड एग्जाम तक हम इसके लेक्चर्स जो हैं वो कम्प्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर हम साथ साथ यहाँ पर कर लें तो आपने बस ये वीडियोज़ देखने हैं ठीक है और ये पी डी एफ आपको मिल जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको और ज़्यादा कंप्यूटर में घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स जरूर एक्सप्लोर करना है इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी गैप के एमसीक्यूज हैं यूपीएससी ईपीएफओ आपको कोड यूज़ करना है फिफ्टी परसेंट ऑफ के लिए एंड डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट कोर्स है और अगर आप एमसीक्यू कॉम्बो कोर्स ले लेते हो तो आपको अलग से पी के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी चलो पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ पहला बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोलते हैं ठीक है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं ऑप्शन ए सी बी मदरबोर्ड सी ऑपरेटिंग सिस्टम डी नन ऑफ दी अब देखो कंप्यूटर हम एक ऐसी चीज़ है जिसको डेली यूज करते हैं हमारे डेली यूज है अभी भी आप अगर फोन पे भी देख रहे हो तो वो भी क्या है एक तरह का आपका जो स्मार्टफोन है वो भी एक तरह का कंप्यूटर ही है है ना तो अल्टीमेटली ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बस बात क्या होती है कि ये चीजें हम डेली लाइफ में इतनी ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं इनके ऊपर तो हमें पता नहीं होती आंसर यहाँ पर है आपका ऑप्शन ए है तो सीपी के बारे में आप देखो कि देखो जी सी पी जो होता है एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है पूरे का पूरा कंप्यूटर का जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी होती है वो सी के अंदर होती है और सीपी में ही आपके कंप्यूटर की एक्चुअल प्रोसेसिंग होती है जो भी आप कमांड वगैरह देते हो जो भी कंप्यूटर काम परफॉर्म करता है उसकी पूरे की पूरी पर, प्रोसेसिंग जैसे आप जो भी कर रहे हो उसकी सारी प्रोसेसिंग अब आपका हाथ अगर आप हिला रहे हो या मैं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ उसकी सारी प्रोसेसिंग कौन हो रही है ब्रेन में हो रही है वैसे ही कंप्यूटर की जितनी भी प्रोसेसिंग हो रही है जो अल्टीमेटली कंप्यूटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोसेसिंग कहाँ पर हो रही है वो सी में हो रही है इसीलिए इसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी बोला जाता है इसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं अब ये भी याद रखना है देखो मेन ध्यान आपने एम के ऊपर नहीं मेन ध्यान जो एम के बाद थ्योरी में आपको बता रहा हूँ उसमें करना है ठीक है सो जो अब देखो अच्छा एक बात मैं आपको बता दूँ लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट द एक्सपर्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस मैं कोई कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ तो अल्टीमेटली मैं जो ये वीडियोज़ आपके लिए बना रहा हूँ ना ये वीडियोज़ इसीलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मैं एक कंप्यूटर इंजीनियर नहीं हूँ या मैं एक कंप्यूटर बैकग्राउंड से ही नहीं हूँ क्योंकि मैं अल्टीमेटली आपको कराऊंगा ही उतना जितना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है मैं फालतू यहाँ पर ज्ञान नहीं दूंगा आपको समझ रहे हो तो जो चीज़ें थ्योरी के अंदर यहाँ पर लिखी हुई हैं वो मतलब याद करनी है जो लिखी नहीं हुई मतलब वो है ही नहीं करने वाली तो इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं कॉमनली सी को एंड सीपी यू uh, को आप फिजिकली एक या एक से ज्यादा माइक्रो चिप्स के ऊपर प्लेस कर सकते हो जिसको हम क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट ठीक है अ सीपी यू कैन बी प्लेस्ड ऑन वन और मोर माइक्रो चिप्स ठीक है उसको क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट और ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपके बनते हैं ये सेमी कंडक्टर मटीरियल के बनते हैं कई बार वो इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीपी यू को आप किस जिन माइक्रो चिप्स के ऊपर प्लेस करते हो उनको क्या बोलते हैं ठीक है इंटीग्रेटेड सर्किट इंटरफेस सर्किट इस तरह के ऑप्शन क्रिएट कर देगा या जो आईसीज होते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं वो किस मटेरियल के बने हुए होते हैं तो ये फैक्ट्स आपने याद रखने हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सीपीयू को प्रोसेसर भी बोलते हैं माइक्रोचिप्स के ऊपर इसको प्लेस किया जाता है जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट बोलते हैं और इंटीग्रेटेड सर्किट सेमी कंडक्टर मटीरियल के बनते हैं ये याद हो गया नेक्स्ट आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है पहला सीपी यू स्टोर द डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शंस इन इट्स लोकल मेमोरी कॉल्ड एलयू. एल बेसिकली प्रोसेसिंग के लिए कुछ तो डाटा जाएगा ना दिमाग के अंदर भी प्रोसेस करने के लिए कुछ डाटा जाता है तभी तो दिमाग उसको प्रोसेस करता है तो सीपी के पास जो डाटा जाता है वो एक लोकल मेमोरी जिसको एलयू एल बोलते हैं उसमें स्टोर करता है दूसरा कंट्रोल यूनिट ऑफ सीपी सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन ठीक है एक के बाद एक जो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो तो सिक्वेंस में उसको करेगा कंट्रोल यूनिट ये बोल रहा है थर्ड कह रहा है सीपी यू इज पॉपुलरली नोन एज माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन डी नन ऑफ दी अब आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है आंसर यहाँ पर दोस्तों होगा आपका ऑप्शन ए सीपी यू स्टोर्स डाटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन लोकल मेमोरी कॉल्ड ए एल यू ये गलत है एएलू नहीं होता इसकी जगह क्या होगा वो देखते हैं तो देखो जी जब सी में प्रोसेसिंग हो रही है ठीक है तो प्रोसेसिंग के लिए जो डाटा जा रहा है वो उसको टेम्परेली स्टोर करेगा अपनी एक लोकल मेमोरी में और उस लोकल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं रजिस्टर्स इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई रजिस्टर्स के ऊपर ठीक है तो उसको हम क्या बोलते हैं रजिस्टर्स बोलते हैं ये क्या है सीपी की लोकल मेमरी है डायरेक्टली वो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है दैट विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द लोकल मेमरी ऑफ सी ठीक है अब ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये सी चिप का ही पार्ट होते हैं साइज में और नंबर में बहुत लिमिटेड होते हैं बहुत ज्यादा साइज नहीं होता है इनका इसलिए टेम्पररीली ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं ठीक है डिफरेंट रजिस्टर्स को स्टोर किया जाता है डाटा स्टोर करने के लिए इंस्ट्रक्शन या जो भी रिजल्ट हैं उनको स्टोर करने के लिए रखा जाता है रजिस्टर्स के अलावा सीपी में दो और मेन कॉम्पोनेंट होते हैं ए जिसको आप बोलते हो लॉजिक यूनिट फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए और एक होता है आपका कंट्रोल यूनिट जिसको आप बोलते हो सी अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का क्या काम होता है ये जो भी अर्थमेटिक या लॉजिक ऑपरेशन होते हैं ना जो बेसिकली अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं सी को कैलकुलेशन वगैरह मैथ्स टाइप आइटम है या लॉजिकल एक्टिविटीज़ जो परफॉर्म करनी है वो ए करेगा ठीक है वो वो करने का काम किसका है ए का काम है और सी यानी कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या है कि ये सीक्वेंस में इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे जो भी इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं उनको इंटरप्रेट करे जो भी डाटा फ्लो हो रहा है ठीक है तो इनपुट और आउटपुट जो इनपुट डिवाइसेस से डेटा आ रहा है और फाइनली जो आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू बाहर जा रहा है उसको ये रेगुलेट करेगा कंट्रोल यूनिट तो ये रजिस्टर्स एलयू और सी का काम होता है सीपीयू को पॉपुलरली माइक्रोप्रोसेसर भी कहा जाता है ठीक है जी तो ये भी आपने याद रखना है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी हो गया माइक्रोप्रोसेसर भी नेक्स्ट जी डेटा एंटर थ्रू इनपुट डिवाइस इज टेम्पररीली स्टोर्ड इन जो भी आप डेटा इनपुट डिवाइस के थ्रू एंटर कर रहे हो वो टेम्पररीली कहीं पर स्टोर होता है उसको क्या बोलते हैं जैसे आप कीबोर्ड से टाइप कर रहे हो तो वो टेम्पररीली पहले कहीं पर स्टोर होता है तो उसको क्या बोलते हैं कहाँ पर स्टोर होता है रैम में रोम में रजिस्टर्स में या नन ऑफ दी अब जो भी आप इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हो अपने सिस्टम के साथ तो जो भी आप डेटा एंटर करते हो ना वो सबसे पहले टेम्पररीली रैम के अंदर स्टोर होता है ठीक है रैम के अंदर क्योंकि ये बेसिकली रैम क्या होता है क्विकली एक्सेस करने वाली मेमोरी है ना तो इसीलिए रैम के अंदर वो स्टोर होता है तो इनपुट डिवाइसेस बेसिकली जिससे आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करते हो एज अ यूजर ओके जिससे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हो और ये जो इनपुट डाटा है उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर तक बात पहुंचाएगा जैसे कीबोर्ड माउस स्कैनर टच स्क्रीन वगैरह आ गया एंड जो भी डाटा आप एंटर करोगे टेम्पररीली मेन मेमोरी के अंदर जिसको आप रैम बोलते हो उसके अंदर स्टोर होगा और फिर परमानेंट स्टोरेज या फ्यूचर यूज़ के लिए वो एडिशनल स्टोरेजिस लोकेशंस के अंदर जाता है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जाता है एक बार रैम में जाएगा और उसके बाद फिर वो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर परमानेंट या फिर लंबे समय के लिए सेव हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन कौन से साल में आपका पेस्केलाइन इन्वेंट हुआ था 1642 1834 1890 या फिर 1937 पेस्केलाइन होता क्या है ये भी पता होना चाहिए सो द आंसर ओवर हियर इज ऑप्शन ए 1642 तो ये एक छोटी सी टाइमलाइन है जो अगेन के अंदर इज लाइन है तो थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है 500 हंड्रेड में आपका एबेकस जो है वो इन्वेंट हुआ था एबेकस के बेसिकली एक तरह का मैकेनिकल डिवाइस था जो अर्थमेटिक कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता था ठीक है अर्थमेटिकल कैलकुलेशन और एक right. उसके बाद पेस्केलाइन आया पेस्केलाइन बेसिकली एक टाइप का मैकेनिकल कैलकुलेटर था इसको पेस्कल कैलकुलेटर भी बोला जाता है ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन करता था आपके मॉडर्न डे कैलकुलेटर की तरह नहीं होता था आपका मॉडर्न डे कैलकुलेटर तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब करता है ना ये सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्टर करता था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करने के लिए आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन को ही यूज़ करके बार बार रिजल्ट निकालना पड़ता था उसके बाद आपका एनालिटिक इंजन जो है वो आया ये एसएससी टाइप के एग्जाम में तो बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन चार्ल्स बैबिज ने इसको इन्वेंट uh, किया था एक तरह का मैकेनिकल कंप्यूटिंग डिवाइस था फॉर इनपुट प्रोसेसिंग स्टोरिंग एंड डिस्प्लेइंग द आउटपुट ठीक है जो आपका जैसे मॉडर्न बेस ऑफ कंप्यूटर है ना उसी टाइप का एक एनालिटिक इंजन तो आप कह सकते हो कि कंप्यूटर की इन्वेंशन एक तरह से चार्ल्स बैबेज ने यहाँ पर कर दी थी उसके बाद आया था आपका टैबलेटिंग मशीन जिसको हरमन हॉलविथ ने uh, डिज, uh, डिजाइन किया था

ये बेसिकली कंसेप्ट था स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर जो स्टोरिंग कर सकता है data की as well as program की की के के अंदर ठीक है और उसके बाद ने ने काफी तक चले वो इसी ऊपर थे बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स वीप्लेस बाय ट्रांजिस्टर्स जो बेसिकली सेमी कंडक्टर मटीरियल का यूज करके इनको बनाया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट जो आपके सीपी के लिए यूज uh, uh, किया जाता है ठीक है इंटीग्रेटेड सर्किट बेसिकली एक सिलिकॉन चिप होता है जिसके अंदर पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्रिएट किया जाता है ओके और ये इंटीग्रेटेड सर्किट की ही डेवलपमेंट थी 1970s के अंदर जिससे आपके कंप्यूटर पहले जो बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे उनका साइज छोटा हो गया फाइनली लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर वाज लॉन्च बाय आईबीएम इन पहला पर्सनल कंप्यूटर घर पे आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो पर्सनल कंप्यूटर वो किसने पहले सबसे पहले आईबीएम ने डेवलप किया था ये भी याद रखना है कि आईबीएम ने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर निकाला था कौन से साल में निकाला था दोस्तों ऑप्शन ए आंसर इसका होगा 1981 एट्टी ने 1981 में निकाला और उसके बाद एप्पल ने मैसिन अपना जो मैक है बेसिकली मैकेश मै नाइनटीन में लॉन्च किए एंड धीरे धीरे पीसी की पॉपुलैरिटी बढ़ी और इसके पीछे मेजर रीजन था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के इंट्रोडक्शन का ठीक है uh, जो बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम था माइक्रोसॉफ्ट ग्राफिकल जी बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो माइक्रोसॉफ्ट ने निकाला ऑलराइट राइट right. एंड उससे पहले यूनिक्स और डॉस का ये इस्तेमाल किया जाता था बट डी यू आई इम्प्रूव द इंटरफेस ऑफ द यूजर विद द पी सी तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो पी सी की सर्ज हुई ओके तो दिस वॉज द फर्स्ट फाइव क्वेश्चन गाइज अब ये पहला ही लेक्चर था तो इसके अंदर अगर कुछ भी सजेशन हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स के अंदर अभी उसको नोट डाउन कर दें ताकि उन सजेशन्स को मैं आने वाले लेक्चर्स के अंदर इंक्लूड uh, कर सकूँ ठीक है एंड कोई भी और डाउट हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो या कमेंट में ही पूछ सकते हो एंड टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तो ठीक है गाइज मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय